अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब सही होंगे, खैरियत से होंगी और हम भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और गाइस मेरा व्लॉग आज थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया मैंने, बस अब क्लीनिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और खाना भी बनाने जा रही हूँ, बर्तन मेरे वॉश हो गए, कपड़े भी वॉश हो रहे हैं और ठीक है। अर्श अभी सो रहा है क्योंकि रात को इतनी गर्मी होती है कि अर्श को भी नींद नहीं आती, वो बेचारा जागता ही रहता है। ऐसी तीन तो ऐसी बजी जाते हैं, जागते जागते नींद ही नहीं आती गर्मी से। तो मैं इसे उठा रही हूँ, बस इसको, ये भी उठ जाएगा अभी, अब ये सीधा खाना ही खाएगा। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको आज हम क्या बना रहे हैं। तो गाइस देखिए, आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल और चावल, क्योंकि ये हल्का खाना है और बस यही खाएंगे। कल अम्मी क्या हलीम बना था लेकिन खाया ही नहीं गया, वो गर्मी की वजह से थोड़ा सा ही खाया था मैंने। तो बस मैं ये अरहर की दाल चावल बनाऊंगी अभी, यहाँ का वाइपर कर दूँ बस। मैंने ये पानी डाल के छोड़ दिया है, थोड़ी सी कूलिंग ठंडक हो जाएगी ना पानी से, तो फिर मैं वाइपर करूँगी। अभी अंदर की भी मैंने सफाई नहीं करी है, सब डस्टिंग तो मैंने कर दी है, बस यहाँ झाड़ू लगानी रह गई मैट के ऊपर। तो चलिए फिर हम सारा काम करके और आपसे मिलते हैं। और बस जल्दी जल्दी काम करने के बाद मुझे कहीं जाना भी है अर्श के डैडी के साथ, तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ और वहाँ से आकर फिर आपसे मिलूँ। अभी देखिए हमारे यहाँ ये कपड़े वॉश हो रहे हैं और ये वाले कपड़े वॉश हो चुके हैं बट ड्राई हो रहे हैं, इन्हें निकाल के तार देती हूँ, इन्हें फैला दूँ और ये वाले कपड़े वॉश कर लूँ। फिर मैं जा रही हूँ किचन में, फटाफट दाल चावल बनाऊँ। अभी वाइपर आधा रह गया है मेरा, दाल चावल रख देती हूँ बनने के लिए। बस अल्लाह से यही दुआ, अल्लाह पाक इस गर्मी में कमी कर दूँगी, अल्लाह पाक खूब तेज़ हवा चल जाए ठंडी ठंडी, बड़ी बुरी हालत हो रही है। यहाँ पर मैं आई थी, मेरी डैडी के साथ जा रही थी अर्श की बैंक, और बैंक में मुझे अपना अकाउंट खुलवाना था इसलिए मैं जा रही थी। तो देखिए हम यहाँ बैंक पहुँच गए थे और यहाँ पर मुझे पूरे दो घंटे लग गए। अर्श की डैडी कह रहे थे कि दस मिनट का काम है, लेकिन पूरे दो घंटे में मैं घर लौट कर आई, अर्श को छोड़ कर गई थी मैं घर पर अकेला। और देखिए वहीं पर ना एक ही बहुत पुराना एक कॉलेज है, तो इसका नाम ही सुना था लेकिन मैं गई कभी नहीं थी। और यहाँ बच्चे मैच भी खेलने के लिए आते हैं, तो मैंने इनसे कहा कि चलो मुझे आज वो दिखा दो कॉलेज कौन सा है, इसका नाम तो बहुत सुना है। तो हम गए थे तो ये वहाँ का ऑफिस है कॉलेज का, और कॉलेज जो है वो इस एक साइड में था, इधर देखिए ये गेट जो है इसके पीछे कॉलेज था लेकिन वो बंद हो चुका था कॉलेज। तो लेकिन धूप बहुत तेज़ हो रही थी और पेड़ भी ऐसे हो रहे थे यहाँ पर जैसे बिल्कुल सूख रहे थे गर्मी की वजह से, इतनी तेज़ धूप थी। और यहाँ इस जगह तो कोई भी नहीं था, यहाँ जो आसपास के बच्चे हैं बड़े सब लोग हैं वो यहाँ ग्राउंड है बहुत बड़ी, ये फील्ड दे रखी है दी है यहाँ पर, बहुत बड़ी फील्ड है वहाँ पर, वो सब बच्चे बड़े सब यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। तो सुना तो हमने था ये बहुत बचपन से सुन रहे हैं कि वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में एक बहुत बड़ी फील्ड है, वहाँ सब खेलते हैं। और देखिए ये जो वहाँ पता नहीं क्या टूटे फूटे रूम थे, मुझे तो देख के डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ भूतों का महल। तो देखिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी ये फील्ड दिखा दूँ और मैं भी देख लूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम ही ये फील्ड देख रही थी, यहाँ बच्चे मैच खेल रहे थे, इतनी तेज़ धूप हो रही थी लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ मैच खेल रहे थे। और यहाँ बड़े भी आते हैं मैच खेलने के लिए, अर्श को पता नहीं किसने बता दिया था, अर्श भी कहता कि मम्मी मैं वहाँ जाऊँगा गवर्नमेंट कॉलेज मैच खेलने के लिए, लेकिन मैं इसको नहीं जाने देती। अब ये और बड़ा समझदार हो जाए तो मैं इसे तभी निकालूंगी, मैं इसको, मुझे नहीं जाने का अच्छा लगता। और यहाँ छोटे बड़े सभी बच्चे खेल रहे थे, बस इतनी जगह में तो लोग दिखाई दे रहे थे, बाकी
पूरा, बहुत ही बड़ा कॉलेज है ये, तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने भी आज पहली बार ये कॉलेज देखा है और ये यहाँ की ये फील्ड देखी जहाँ सब मैच खेलने आते हैं। इतनी तेज़ धूप और गर्मी थी कि पेड़ बिल्कुल ऐसे हो रहे थे कि बस पत्ते भी ऐसा लग गया जला दिया किसी ने। और यहाँ पर ये देखिए हैंडपम्प लग रहा था, तो सब यहाँ से ऐसा ठंडा पानी आ रहा था, सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे थे यहाँ पर बच्चे मैच खेल के। और बिल्कुल सन्नाटे वाली जगह थी, हरियाली तो बहुत थी। फिर हम वहाँ से निकल गए थे तो बहुत तेज़ की प्यास लग रही थी, तो आज के डैडी ने फिर यहाँ लस्सी पी रहे थे और फिर मुझे भी दिलाई, लेकिन मुझे बाज़ार की चीज़ पसंद नहीं आती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर हम बस सीधे घर आ गए थे क्योंकि अर्श अकेला था, और जब मैं अर्श को अकेला छोड़ के जाती हूँ मुझे बहुत टेंशन रहती है, मेरा दिल यहीं पड़ा रहता अर्श के पास। फिर देखिए एकदम रात को मुझे अम्मी के जाना पड़ा 9 बजे, एक बहुत ज़रूरी अर्जेंट वर्क था। बस मैं आप लोगों को और किसी दिन बताऊंगी कि मैं क्यों गई थी, लेकिन बहुत ही अर्जेंट वर्क था। इतनी रात को अचानक बस शायद 9 ही बज रहे थे, 9:30 बज रहे थे, 9 बजे थे शायद, 9 बजे का टाइम था। तो बस बहुत ही एक ज़रूरी काम था, एक ज़रूरी वजह थी जिसके लिए मुझे जाना पड़ा था। फिर देखिए हम यहाँ शाबान भी आया हुआ था, तो शाबान देखिए कितनी प्यारी आइसक्रीम लेकर आया था और कलरफुल एकदम, वो दिखा रहा था कि नाजमा खाला मेरी आइसक्रीम दिखा दे। और मिन्नू ने यहाँ बच्चों को चीज़ ला के दी थी, सब बच्चों को चीज़ ला के दी थी, अर्श को भी, रब्बा, शाबान और हमारे सबके लिए, सब बहनों के लिए, हिदा के लिए मिन्नू लाया था मेरा भाई लीची का जूस, सबके लिए लीची का जूस लेकर आया था। तो बस यही दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह हमारी अम्मी को, हमारे भाइयों को सलामत रखे, वही घर है हमारे जाने का और कहीं हम जाते ही नहीं, बस एक वही घर है। ये जब इंसान का दिल घबराए, परेशान है, टेंशन में है, तो सीधा हम वहीं जाते हैं। तो गाइस चलिए इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।